आबकारी विभाग द्वारा अवैध मदिरा के निर्माण, संग्रहण, परिवहन तथा विक्रय के विरुद्ध विशेष अभियान चलाया जा रहा है। कलेक्टर के निर्देश पर कार्रवाई करते हुए 2 पेटी शराब जब्त की गई है। वहीं आरोपी की बोलेरो भी जब्त कर ली गई है। आबकारी विभाग ने आरोपी को 2 पेटी अवैध शराब सहित पकड़ा है। देवास में कलेक्टर चंद्रमौली शुक्ला के निर्देश पर प्रभारी सहायक आबकारी आयुक्त पर आरपी दुबे की मार्गदर्शन में अवैध शराब कारोबारियों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। गश्त के दौरान लोहाना के पास विजयगंज मंडी की ओर से आ रही एक बिना नंबर की बोलेरो वाहन की तलाशी लेने पर गाड़ी से अवैध शराब बरामद हुई है। विभाग ने बोलेरो वाहन सहित आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। देवास से बाबू भाटिया की रिपोर्ट। आबकारी विभाग द्वारा लगातार जो भी सूचनाएं मिलती है उसके आधार पर कार्रवाई की जाती है। इसी तारतम्य में आज जो विजयगंज मंडी रोड पर एक पूर्व में सूचित एक वाहन था जो बिना नंबर का बोलेरो, वो हमें लोहाना के पास से गश्त के दौरान आता हुआ मिला। उसे रोक कर चेक किया गया तो उसमें 2 पेटी देसी मदिरा प्लेन की जब्त की गई है। और जो वाहन चालक था अनूप सिंह, पिता गिरिराज सिंह निवासी आगरो, उसको गिरफ्तार किया गया। मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34(1) के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। और जो वाहन और मदिरा की कीमत लगभग 4.5 लाख रुपए। इसी तरह शहर के अन्य क्षेत्रों में भी वृद्ध देवास बा एवं शाम में भी कार्रवाई की गई है, जिसमें कुल 4 प्रकरण पंजीबद्ध किए गए हैं। प्रेम नारायण यादव, आपका रूप निरीक्षक देवास।